Bismillahirrahmanirrahim. Beginning with the name of Allah, who is the most beneficent and the merciful. Assalamu alaikum, class 9th. Subject English. English ka hamara subject, lecture number 3, third of our lecture. In our first and second lecture, we discussed a chapter. The chapter name was The Last Sermon of the Holy Prophet, peace be upon him. We have discussed this chapter in detail. What you have to do, you have to read this chapter as much as you can. Read this chapter at your home, underline the words which are difficult, learn their meanings, and dictate them. What you have to do further, you have to translate the chapter in Urdu. Why translation is important? If you translate this chapter in Urdu, if you learn this chapter in Urdu, अगर आप इस चैप्टर को उर्दू में पढ़ते हैं तो ये आपके माइंड में दिमाग में अच्छे से बैठ भी जाते हैं. समहाउ समटाइम होता क्या है, बेसिकली होता ये है कि बाज़ औक़ात हमारे जहन में कोई चीज़ इंग्लिश में नहीं आ रही होती तो उर्दू में आ जाती है, हम उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं, या उर्दू में नहीं आ रही तो इंग्लिश में आ जाती है, सो वी कैन ट्रांसलेट. इन दिस क्लास आपके जितने भी चैप्टर होंगे इंग्लिश के, आपने उन तमाम की रीडिंग डिटेल में करनी है. जितनी अच्छी आपकी रीडिंग होगी, जितनी अच्छी आपकी इसमें इनको मेमोराइज कर पाएंगे, उतनी अच्छी आपकी स्टडी होगी. क्योंकि होता ही है कि कौन से क्वेश्चन कब में आ जाए. सपोज अगर हम ये करते हैं कि पहला हमारा चैप्टर है, फॉर एग्जांपल हमारा आज का फर्स्ट चैप्टर है, तो इसमें डिफरेंट तरह से हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं. समटाइम यू कैन फाइंड फिल इन द शेप फिल इन द ब्लैंक्स, समटाइम ट्रू और फॉल्स, समटाइम यू कैन फाइंड सम वर्ड्स, यू हैव टू राइट द मीनिंग्स ऑफ देम. तो इस तरह से डिफरेंट होता है. जब तक आप रीडिंग नहीं कर पाएंगे, जब तक आप रीडिंग नहीं करेंगे किसी भी चैप्टर की अच्छे से, तो आपको पता नहीं चलेगा कि किस चैप्टर की कौन सी लाइन है या इसमें हमसे क्या पूछा गया. तो रीडिंग के लिए बार बार आप लोगों से इसलिए कह रहा हूं कि जितनी अच्छी आपकी रीडिंग होगी, लर्निंग आपकी उतनी ही अच्छी होगी. गॉट इट? लेट्स गो अहेड, आगे चलते हैं. द लास्ट सर्मन ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन सर्मन, आई हैव टोल्ड यू मीनिंग ट्वाइस और थ्राइस, दो या तीन दफा मैंने आपको इसकी मीनिंग बताई है, दोबारा एक दफा फिर बता दो. सर्मन का मतलब होता खुतबा, जिनके खुतबे की बात कर रहे हैं, तो मोहम्मद खुतबे की बात कर रहे हैं. लेक्चर नंबर 3, व्हाट आर वी डूइंग टुडे, आज हम इसके दो क्वेश्चन आंसर करेंगे. ठीक है, इस चैप्टर के दो क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवा रहा हूँ. वे टू राइट, कहाँ लिखना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कॉपीज अभी तक आप लोगों को नहीं दी गई है, योर कॉपीज आर रेडी, आपकी कॉपीज रेडी है. इन कमिंग वन और टू वीक्स, आने वाले 1 से 2 हफ्ते में हो सकता है आप लोगों को अब तक आपकी कॉपीज फराहम कर दी जाए. हो सकता है कि इसी वीक में कर दीजिए, वरना नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह आपको आपकी तमाम कॉपीज और रजिस्टर वगैरह फ्राहम कर दिए जाएंगे ताकि आप उनमें अपना काम कर सकें. अभी आप लोगों ने ये करना है, यू मस्ट हैव अ सेपरेट रजिस्टर. आप लोगों के पास एक सेपरेट रजिस्टर होगा आपका, आपने ये तमाम काम उसमें करना है. जब आपको आपके स्कूल की कॉपीज मिलती है, रजिस्टर मिलते हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने इसमें उसको फेयर कर लेना है. ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर है, आपने इसको एक सेपरेट कॉपी के अंदर या सेपरेट रजिस्टर के अंदर इसको नोट करना है. गॉट इट? ओके ओके, बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन आंसर, लेट्स कम अहेड, लेट्स रिवाइज सम वर्ड्स मीनिंग. कुछ वर्ड्स मीनिंग को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं. वर्ड्स मीनिंग को अपने माइंड में लाजमी रखिएगा. वर्ड्स मीनिंग जितनी आपकी वोकैबुलरी जितनी अच्छी होती है आपकी, बेसिकली इंग्लिश भी आपकी इतनी अच्छी होती है. ठीक है, द वेरी फर्स्ट वन वर्ड नोबल, नोबल मीन्स अजीम. You have to write these words meaning also in copy. ये तमाम words meaning भी आपने copy में ही लिखनी है. ठीक है, write them. Noble, azim. Worship. Worship is इबादत करना, पूजा करना. Worship, इबादत करना या पूजा करना. Idols. Idols means बुत. Preach, तबलीग करना. Preach, तबलीग करना. अक्सर आप लोगों ने देखा होगा हमारे मसाजिद में कोई जमात आई हुई होती है दूसरे इलाकों से, लोग आए हुए होते हैं, वो फिर घर घर जाते हैं. हो सकता है आपके तफाक हो, घर घर जाया जाता है, लोगों को बताया जाता है, अल्लाह का कलाम दिया जाता है. दिस इज कॉल्ड व्हाट, ये क्या कहलाता है हमारा, तबलीग करना कहलाता है, प्रीच कहलाता है. फैट अकीदा, फैट अकीदा. ओके, एंसेस्टर्स आबाओ अजदाद, एंसेस्टर्स आबाओ अजदाद. एग्नी जहनी अजियत, जहनी किसी को परेशान करना, किसी को जहनी तकलीफ देना, वो क्या कहलाता है, एग्नी कहलाता है. फिर शरीर अकम्पेंट साथ, चैनल जायदाद, ओकेजन मौका, ओकेजन मौका.
क्वेट बयान करना, वर्स आयत पुरानी आयत, वर्स आयत ऑफस्प्रिंग औलाद, ग्रेटेस्ट बढ़ाई, राइटियस, राइटियस मतलब नेक या स्वाले पार्सा, राइटियस नेक स्वाले या पार्सा, क्रिएट तखलीक करना बनाना, these are the meaning, words meaning, you have to write them in your copies, in separate copies, when you will be given your school copies, you have to write these words meaning in this copy. Now come to question answer, question answer ki taraf aate hain. Today I am giving you two questions, aaj do question main aapko karwa raha hu, theek hai, iske dekhte hain baki kitne ho sakte hain, to wo baki baad mein jayenge, aaj ke do question, the very first question, question number one hai hamara, what are they are saying, what does the last sermon of the Holy Prophet, peace be upon him, teach us? Hazrat Muhammad SAW ka jo aakhri khutba tha, usse hame kya sabak milta hai? Hamara pehla question tha, what are they saying now? Kaha ja raha hai, that the last sermon of the Holy Prophet, peace be upon him, teaches us that there is no God except Allah. कह रहे कि आखिरी खुतबे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमसे ये कहा जा रहा है कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं, अल्लाह के अलावा कोई और खुदा नहीं, सिर्फ एक अल्लाह ही है. एंड हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इज द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के क्या है, आखिरी नबी है. एंड ऑल द मुस्लिम्स आर द ब्रदर्स अमंग देमसेल्फ, और तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, तमाम मुसलमान आपस में क्या है, भाई भाई है. नाउ वन इज सुपीरियर, सुपीरियर मीन्स बर्तर, आला, अफजल, सुपीरियर बर्तर आला या अफजल, नाउ वन इज सुपीरियर इन द आईज ऑफ अल्लाह एक्सेप्ट दोज हु आर पाइस, मतलब वो लोग जो नेक है उनके नजदीक अल्लाह के उनके अलावा अल्लाह के नजदीक कोई बर्तर नहीं है. ठीक है, नेक कौन है, जरूरी नहीं हम जाहिरी जैसे हों वैसे ही, मैं जाहिरी जैसे हों वैसे ही, हमें नहीं पता कि नेक लोगों के अलावा अल्लाह के नजदीक कोई बर्तर नहीं है, सिंपल ये मीनिंग है इसकी. गॉट इट, आगे चलते हैं. यह हमारा पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन कुड बी चेंज, क्वेश्चन हो सकता है वर्डिंग आगे पीछे हो जाए, लेकिन आप लोगों ने बस ये देखना है कि हमसे क्वेश्चन में सवाल में पूछा क्या जा रहा है, ये चीज माइंड में रखिएगा. जरूरी नहीं है सवाल जैसे मैंने आपको करवा हो सकता है वैसे ही आपके पास है, कुछ चेंज भी हो सकते हैं. द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग आपने ये देखना है कि इस सवाल में हमसे क्या पूछा जा रहा है, ये चीज आपने जहन में रखनी हर सवाल में. ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. हमारा अगला सवाल है, हमसे कहा जा रहा है, व्हाट प्रिंसिपल्स डिड आवर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम फाइंड द इस्लामिक सोसाइटी. दोबारा रीड कर रहा हूं, ऑन व्हाट प्रिंसिपल्स डिड आवर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम फाइंड द इस्लामिक सोसाइटी. हमें पता है हिजरत के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में इस्लामिक सोसाइटी बनाई थी, अब वो किन प्रिंसिपल्स पे बनाई थी उनके बारे में पूछा जा रहा है. वी नो वेरी वेल दैट देयर आर थ्री प्रिंसिपल्स, तीन प्रिंसिपल्स है. कहा जा रहा है द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम फाउंड एन इस्लामिक सोसाइटी बेस्ड ऑन दीज प्रिंसिपल्स. दोबारा रिपीट कर रहा हूं, द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम फाउंड एन इस्लामिक सोसाइटी बेस्ड ऑन दीज थ्री दीज प्रिंसिपल्स. नाउ दीज आर द थ्री प्रिंसिपल्स ऑन व्हिच हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाउंड एन इस्लामिक सोसाइटी इन मदीना. नंबर वन, ऑल पावर बिलोंग्स टू अल्लाह. पहला जो उसूल था वो ये था, ऑल पावर बिलोंग्स टू अल्लाह. इन द सेकंड वन, हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इज द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह. द थर्ड, ऑल द मुस्लिम्स आर ब्रदर्स टू वन एंड अनदर. ऑल द मुस्लिम्स आर ब्रदर टू वन एंड अनदर. दीज आर टू क्वेश्चंस यू हैव टू राइट देम. व्हाट यू हैव टू डू, आई एम गिविंग एन असाइनमेंट, read this chapter and try to summarize this chapter in 15 sentences. इस chapter को आप लोगों ने क्या करना, 15 sentences के अंदर summarize करना. This is your assignment now. ठीक है जी, thank you very much. We will meet in our next lecture soon. Till then, Allah Hafiz.